मेहनत के बाद अभी अवनीश दुबे लाइव देखिए आप लोग, इनके लिए मैं प्रशासन से भी कितना लड़ा, बहुत आरोप प्रत्यारोप भी लगाया हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं इस समय अवनीश दुबे मिले हैं, इस समय जाने को तैयार नहीं है। पता नहीं किस स्थिति परिस्थिति में क्या सोच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जितने भी मित्र 15, 16, 18 लोग शेयर किए थे इस वीडियो को, उनको सहृदय धन्यवाद। और इधर अंकल जी हैं, बहुत अच्छे आदमी थे और इनके लड़के ने बहुत मेहनत किया है। देखो यहाँ पर मेहनत करके अपना कमा खा रहे हैं ये अंकल जी, इन्हीं की वजह से ये लड़का मिला हुआ है। इस चीज़ को हम लाइव दिखा रहे हैं, जो बड़े बड़े आदमी नहीं कर सकते, जो प्रशासन करने के लिए थक जाती है, वो अंकल जी यहाँ पर सूचना दिए दिलवाए हैं अपने बच्चों से। इस समय मैं आपको बता दूं, ये रानी मंडी चौक प्रयागराज 9/2 के सामने लाइव, इस चीज को देखिए। और आप लोग कभी ऐसी घटना हो, किसी घटना के संबंध में आप लोग डरिए मत, आवाज उठाइए, लड़ने का प्रयास करिए और मुकाम तक पहुंचिए, जब तक उस व्यक्ति को वहां तक पहुंचा न दिया जाए। फिलहाल इस लड़के को हम यहां ले जाने के लिए आए हुए हैं, यहां पर इस समय हम उपस्थित हुए हैं। देखिए बड़ी मेहनत के बाद इसे यह लड़का मिला हुआ है, और वो भी अंकल जी के बदौलत। ऐसे ऐसे अगर लोग समाज में रहेंगे तो समाज में बहुत सुधार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बाबा जी चाट वाले हैं, मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, जो लोग हैं ईमानदारी से अगर कहीं भी बाहर भी खा रहे हैं, इनके यहाँ आके स्पेशली आके खाएं, क्योंकि ऐसे आदमी नहीं मिलेंगे। हम आपको लाइव यहाँ का दिखाना चाह रहे हैं, ये है 9/2 रानी मंडी चौक प्रयागराज। इनके लिए हम स्पेशल एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। जो लोग जुड़ रहे हैं इस चीज़ को देखिए, और ऐसे लोगों का सपोर्ट और समर्थन कीजिए। एक बच्चे को, एक माँ एक बच्चे को उसके बाप से मिलवाया, उनके पिताजी वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ खड़े हैं, बच्चा यहाँ पे खड़ा है। आज 5 दिन से भूखा, ट्रेन में पता नहीं किस जहर कुरानों ने जहर खिला के और पता नहीं क्या खिला के इसका सब कुछ सामान मोबाइल सब कुछ छीन लिया। 10 तारीख को बैठा था, 11 तारीख को यहाँ प्रयागराज में किसके साथ कांड हो गया है। शासन प्रशासन के साथ इतना दौड़ा, लेकिन ये अंकल जी की ऊपर वाले की दया है, अंकल जी का देन है, जो ईश्वर की रूप में एक अच्छा कार्य और नेक कार्य किए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इनके बच्चे अच्छा काम किए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पानी पूरी वगैरह बना रहे हैं। आप लोग इन ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए, ये इलाहाबाद का रानी मंडी चौक है, आप लोग ऐसे ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए, ठीक है। ये चीज आप लोग लाइव देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये लड़का कब से यहाँ पे था? ड्यूटी पे आए, मुंबई चले गए थे ना। अच्छा, ये कब से लड़का यहाँ पे था? ये लड़का जब गायब था कब से यहाँ पे आया हुआ है? 2 घंटा हुआ है ना। इसके लिए मैंने सोशल मीडिया पर लड़के के लिए आवाज उठाया था, बहुत मेहनत किया था। ये रानी मंडी चौक प्रयागराज है, और इतनी यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर सूचना देने वाले ये अंकल जी थे, और जो ये लोग यहाँ पे थे बहुत ही अच्छे थे। क्यों? कि कारण ये है कि अगर अच्छे नहीं होते तो यहाँ पे ये लड़का हो सकता है इधर उधर भाग भी जाता, ठीक है। ये चीज को देख सकते हैं, ऐसे लोगों को प्रमोट आप लोग कीजिए, ऐसे लोगों का साथ दीजिए, ऐसे लोगों के दुकान पे आप लोग जाइए, जो समाज के लिए एक नया उदाहरण बनते हैं। यही निवेदन करना चाहता हूँ, जो लोग इलाहाबाद से जुड़ेंगे यहाँ पर आके सामान ले सकते हैं, और इस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने का भी सामान ले सकते हैं इनके यहाँ। ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहिए, अंकल जी की देन है। नहीं नहीं बस बाबू लखनऊ, ये चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर अंकल जी हैं, यहाँ पर राजेंद्र कचौड़ी कॉर्नर है, और इसी के जस्ट सामने 9/2 रानी मंडी चौक है, शक्ति ज्वेलर्स के सामने, यहाँ पर ये नोटिस कर लीजिए आप लोग। और आप सबों को सहृदय धन्यवाद, जो इतना वीडियो शेयर किए और सपोर्ट किए हैं। जो ये बच्चा अभी यहाँ पर मिला हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, टेंशन मत लीजिए, आप लोगों का चेहरा नहीं जाएगा, हाँ उसका टेंशन मत लो, ठीक है। इस चीज को यहाँ पर देख लिए, बच्चा है, फिलहाल इसको हम ले जा रहे हैं। आप लोगों को यह कार्य कैसा लगा? हमने ग्राउंड पे हर चीज कवरेज करने का प्रयास किया, वो भी निस्वार्थ में, ठीक है। आप लोग समझते हो कि पत्रकारिता टीआरपी लेने के लिए हर जगह वो करते हैं,
लेकिन मैं इतना दूर से यहाँ पे आया हूँ। ये बच्चा दिमाग से थोड़ा सा वैसा हो चुका है, इस समय फिलहाल इसको ले जा रहे हैं। जय हिंद।